स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को मेरे तरफ से नमस्कार। आप सभी को हमारे प्रेरणा टीवी चैनल के तरफ से भी दीदी नमस्कार। अगर अभी तक आपने हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप सभी को DNRLM से जुड़ी उसके साथ साथ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी योजना चलाई जाएगी सबसे पहले आप सभी दीदियों को अवगत कर दिया जाएगा। तो आप सभी दीदियों से निवेदन है कि हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहले से ही DNRLM में जुड़ी हैं दीदी, तो आपसे निवेदन है कि पंचसूत्र का पालन करना बिल्कुल ना भूलें। साप्ताहिक बैठक, साप्ताहिक बचत, आंतरिक उधार, समय से ऋण वापसी, लेखा जोखा, इन पंचसूत्रों का करें पालन और अपने समूह को रखें सक्रिय, क्योंकि सक्रिय समूह को ही योजनाओं का लाभ दिया जाता है और वरीयता भी मिलती है। स्वयं सहायता समूह में समूह सखी की नौकरी कैसे मिलती है? स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है और समूह सखी की नौकरी में क्या काम करना पड़ता है, आइए जानते हैं पूरे वीडियो में। वीडियो को छोड़कर बिल्कुल दीदी ना जाए, अंत तक देखती रहें। समूह सखी क्या है? स्वयं सहायता समूह की महिलाओं में यह भ्रम रखता है कि सहायता समूह के जरिए कभी ना कभी हमें नौकरी मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह के लिए DNRLM द्वारा एक समूह सखी की नियुक्ति करने का आदेश दिया है। समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे 5 या 6 समूहों की देखरेख करना होता है। समूह सखी का कार्य ब्लॉक स्तर पर जाकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत आने वाले समस्त प्रकार के योजनाओं एवं लाभों के बारे में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को बताना होता है। एक गांव में कई समूह सखी रखी जाती हैं। जी हाँ, अगर आपके गांव में 5 या 10 समूह हैं तब तक दीदी तो एक ही समूह सखी रखी जाती हैं। अगर 10 से अधिक 20 तक पहुंच जाते हैं समूह बनकर, तब वहां 2 समूह सखी रखी जाती हैं। 30 अगर आपके गांव में 3 समूह बन जाते हैं 30, तो उसके बाद आपके पास 3 समूह सखी रखी जाती हैं, क्योंकि 10 समूह की देख रेख एक समूह सखी करती है। समूह सखी को मिलने वाला मानदेय। स्वयं सहायता समूह में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष और सचिव को किसी भी प्रकार का कोई मानदेय नहीं दिया जाता है, जबकि समूह सखी को उसके कार्यों के लिए 1200 से 1500 रुपये प्रति माह का वेतन दिया जाता है। समूह सखी को यह वेतन उसके कार्य के, जी हाँ, कार्यों के लिए दिया जाता है। समूह सखी का कार्य गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह कैसे चलाए जाते हैं, स्वयं सहायता समूह में रजिस्टर कैसे लिखे जाते हैं, स्वयं सहायता समूह में बचत पर कितना ब्याज बैंकों द्वारा दिया जाता है, स्वयं सहायता समूह में उद्योग लगाने हेतु ऋण कैसे लिया जाता है, स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा किए गए बचत और वित्तीय लेन देन की रिपोर्ट बैंक को देना एवं राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर रिपोर्ट सबमिट करना होता है। आइए जानते हैं कि समूह सखी कैसे बने। समूह सखी बनने के लिए सबसे पहले आपको अपने ब्लॉक स्तर पर जाकर अपने गांव में चल रहे सभी स्वयं सहायता समूहों के लिस्ट निकलवाने होंगे। इसके बाद राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर यह पता करना होगा कि कोई समूह सखी पहले से तो नियुक्त नहीं है। यदि आपके गांव में कोई समूह सखी पहले से नियुक्त नहीं है तो आपको वहां पर बैठे हुए अधिकारी से बात करनी होगी और आवेदन के लिए एक फॉर्म भी लेना होगा। समूह सखी बनने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं को सुनिश्चित कर लें। जी हां, आपके पास न्यूनतम 8वीं और अधिकतम 12वीं तक की शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए। आपके पास पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक पासबुक होना चाहिए। आपके पास अपने गांव में चल रहे स्वयं सहायता समूह की जानकारी होनी चाहिए। आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष क्या उससे 35 वर्ष की होनी चाहिए। स्वयं सहायता समूह की महिला जाने समूह सखी को कितना मानदेय मिलेगा। जी हाँ, स्वयं सहायता समूह में समूह सखी को कितना मानदेय मिलेगा, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि समूह सखी को कितना मानदेय मिलता है। जो पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि समूह सखी को जो मानदेय मिलता है वह 1200-1500 प्रतिमाह दिया जाता है, लेकिन 1200-1500 प्रतिमाह
सिर्फ कहने के लिए है, क्योंकि समूह सखी को मानदेय उनके काम के अनुसार ही मिलता है। अगर वह काम नहीं करेंगी तो उन्हें मानदेय नहीं मिलेगा। समूह सखी को कौन कौन सा काम दिया जाता है, आइए जानते हैं वीडियो में। समूह सखी का काम समूह का दस्तावेज तैयार करना और समूह का खाता खुलवाना, आरएफ का फार्म तैयार करना, एमसीपी का फार्म तैयार करना, सीसीएल का फाइल तैयार करने के बाद उसे बैंक में जमा करना, समूह सखी को रजिस्टर प्रतिदिन का ब्यौरा लिखना, समूह सखी को रिपोर्ट तैयार करना है। समूह सखी को किस काम का कितना मानदेय मिलता है? जी हाँ, समूह सखी का काम समूह सखी का मानदेय, समूह सखी का काम समूह सखी का दस्तावेज तैयार करना और समूह सखी का खाता खुलवाना और आरएफ एवं सीसीएल का फॉर्म जमा करना। आप सभी को अवगत करा दूं कि समूह सखी का काम समूह का खाता, समूह सखी का काम समूह का दस्तावेज तैयार करने पे 50 रुपये दिए जाते हैं और समूह का खाता खुलवाना और आरएफ का फॉर्म भरने तैयार करने पर 75 रुपये दिए जाते हैं। एमसीपी का फॉर्म भर के तैयार करने पे 150 रुपये दिए जाते हैं और दीदी सीसीएल का फाइल तैयार करने के बाद उसे बैंक में जमा करना होता है तो 100 रुपये मिलता है। समूह सखी को रजिस्टर प्रतिदिन का ब्यौरा लिखने पर 100 रुपया दिया जाता है। समूह सखी को रिसोर्स फीस कितना मिलता है? अब हम आइए चलते हैं, बताते हैं कि समूह सखी को रिसोर्स फीस कितना मिलता है। समूह सखी को रिसोर्स फीस उनके काम के अनुसार मिलता है। जैसा कि वह अगस्त 7 समूह देखती हैं तो 700 से 800 समूह देखने को मिल जाता है। अगर वह 8 से 10 समूह देखती हैं तो उन्हें 1000 मिल जाता है और वह 11 से 16 समूह देखती हैं तो इन्हें अधिकतम फीस 1200 रुपये दिए जाते हैं। आप भी दीदी अगर समूह सखी बनना चाहती हैं, अगर आपके गांव में अभी नए नए समूह बनना स्टार्ट हुए हैं तो आप जल्द से जल्द ब्लॉक पे अपने संपर्क कर सकती हैं। समूह सखी का कौन चयन करता है, यह भी जानना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। सारे समूह को मिलाकर एक मीटिंग बैठाई जाती है सारे समूह की दीदियां। जी हाँ, अगर आपके गांव में 7 से 8 समूह बनते हैं, सारे समूह की दीदियां जिस महिला को चयन करती हैं समूह सखी के लिए, वही दीदी समूह सखी रखी जाती हैं। इसलिए सारी समूह की दीदियों को वरीयता दी जाती है कि उस समूह सखी का सभी दीदियां बात मानेंगी। ऐसी समूह सखी रखी जाती हैं जिस समूह सखी का सारे समूह की मेंबर, सारे समूह की सदस्य बात मानती हैं, ऐसी ही समूह सखी का चुनाव किया जाता है। सारे समूह को मिलाकर जो उसमें से एक अच्छी दीदी रहती हैं, सभी दीदियां मिलकर चयन करती हैं, उन्हीं को समूह सखी रखा जाता है। तो चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो नॉलेजफुल लगा हो तो दीदी लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी से निवेदन है कि शेयर करें सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को जो भी देख रहा है उनसे निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप ग्रामीण इलाकों में रहती हैं तो हमारे राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन में जुड़ी हैं तो हमारे प्रेरणा टीवी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर दीदी आप शहर में रहती हैं या आपके कोई रिश्तेदार शहर में रहते हैं, आप उनसे हमारे दूसरे चैनल प्रेरणा टीवी चैनल शहरी को ज़रूर सब्सक्राइब करा दें, क्योंकि उस चैनल पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन से जुड़ी जानकारी दी जाती है। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय आजीविका।